नेक्स्ट जो क्लास है, क्लास नंबर 10, जिसका नाम है रोडोफाइसी, इसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है आर फाइको रिथ्रिन एंड आर फाइको साइनिन। इन्हीं पिगमेंट्स के कारण इन एल्गी का कलर है जो रेड होता है। इनके अंदर स्टोरेज फूड के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो सेक्स सेल्स होती है वो नॉन फिलामेंटस होती हैं और नॉन फ्लेजिलेटेड होती हैं। रोडोफाइसी ऑर्डर को 7 गणों में डिवाइड किया गया है। बेंजियलीज जिसका एग्जाम्पल है पोरफायरा, निमेलियोनीज जिसका एग्जाम्पल है बैट्रेक्टोस्पर्मम। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो जेलेडियलीज है जिसका एग्जाम्पल है जिलेडियम, क्रिप्टो निमेलियलीज जिसका एग्जाम्पल है डुमोन्सिया, फिर नेक्स्ट है जिजार्टिनेलीज जिसका एग्जाम्पल है कॉन्ड्रस, फिर रोडिमेनियलीज जिसका एग्जाम्पल है रोडिमेनिया, और सेरेमेनियलीज जिसका एग्जाम्पल है सेरेमियम और पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट जो अपन का क्लास है वो है मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल नोस्टॉक और ऑसिलोटेरिया है, और इसके अंदर जो पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है वो है सी फाइकोसाइनिन। इनकी सेल वॉल है जो म्यूकोपोलीमर से बनती है, और इनके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में सुगर और ग्लाइकोजन पाया जाता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। इन्हें 5 गणों में डिवाइड किया गया है। क्लोरोकोकेलीज जिसका एग्जाम्पल है ग्लियोकैप्सा, केमासाइफोनेलीज जिसका एग्जाम्पल है केमेसाइफोन, फिर प्लूरोकैप्सेलीज जिसका एग्जाम्पल है प्लूरोकैप्सा, नोस्टोकेलीज जिसका एग्जाम्पल नोस्टॉक, और स्टिगोनिमेटेलीज जिसका एग्जाम्पल है स्टिगोनेमा। नेक्स्ट जो अपन का क्लासिफिकेशन है वो है स्मिथ का वर्गीकरण या स्मिथ का क्लासिफिकेशन। तो फ्रिस के द्वारा जो एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसमें फ्रिस ने जो एल्गी को 11 वर्गों के अंदर दिया बांटा था। अब जो अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है स्मिथ का वर्गीकरण, तो जनन कोशिकाओं के तथा कायिक कोशिकाओं के शरीर क्रियात्मक लक्षणों पर आधारित है। यानी कि ये वर्गीकरण किसके ऊपर बेस्ड है? एक तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं और कायिक कोशिकाएं होते हैं उनकी शरीर क्रियात्मक लक्षणों पर आधारित हैं। इसके बाद में इसमें जो क्राइसोफाइसी, जेंटोफाइसी तथा बेसिलेरीफाइसी वर्गों के शैवालों की कोशिका भित्ति, उनकी संरचना तथा भोज्य पदार्थों की प्रकृति में समानता देखी गई है। यानी कि जो स्मिथ ने बताया, क्राइसोफाइसी, जेंटोफाइसी और बेसिलेरीफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनकी सेल वॉल, उनकी संरचना और उनके अंदर जो स्टोरेज फूड होते हैं उनकी प्रकृति है जो समान होती है। क्राइसोफाइसी, जेंटोफाइसी और बेसिलेरीफाइसी को सम्मिलित रूप से जो क्राइसोफाइटा कहा जाता है। यानी कि स्मिथ ने जो इन तीनों क्लासेस को क्या नाम दिया? क्राइसोफाटा। फिर स्मिथ ने जो इन शैवालों को 7 डिवीजन और 13 वर्गों में डिवाइड किया। डिवीजन फर्स्ट जिसका नाम है क्लोरोफाइटा, इसके अंदर लगभग 5,550 स्पीसीज इंक्लूड की गई, और जनरली जो एल्गी होती है वो फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर हैबिटेट में पाई जाती हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है, और इसके अलावा इनके अंदर वीट प्लेस टाइप की 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं, और स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में इनमें स्टार्च पाया जाता है। क्लोरोफाइटा डिवीजन को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी एंड केरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड केरोफाइसी का एग्जाम्पल कारा, जिसमें अपन ने पढ़ा था कारा के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल और फीमेल को न्यूक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्मिथ ने एल्गी का डिवीजन दिया था जिसका नाम है यूग्लिनोफाइटा। इसके अंदर जो स्पीसीज के नंबर है वो 300 है, और ये भी जो है फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है बीटा कैरोटीन। इनकी सेल वॉल है, इनके अंदर सेल वॉल एबसेंट होती है, और रिप्रोडक्शन है जो सेल डिविजन के द्वारा होता है, और इनके अंदर एक ही क्लास रखी गई है यूग्लिनोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट जो डिवीजन थर्ड है जिसका नाम है पायरोफाइटा, और इसके अंदर स्पीसीज लगभग 1,000 की समथिंग है, और ये भी मेराइन वाटर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं।
इनके अंदर पाए जाने वाले मेन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बेटा कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एब्सेंट होता है या रेयर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हें दो क्लास में डिवाइड किया गया, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। डेस्मोफाइसी के एग्जाम्पल है डेस्मेडिया एंड डाइनोफाइसी के एग्जाम्पल है जिसका एग्जाम्पल है डाइनोफाइसिस। नेक्स्ट जो डिवीजन है जिसका नाम है क्राइसोफाइटा, इसके अंदर जो स्पीसीज है वो 5000 के समथिंग है। और जो स्पीसीज है फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती है। इनके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में ऑयल और ल्यूकोसिन पाया जाता है। इन्हें तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बैसिलेरियोफाइसी। जेंथोफाइसी का एग्जाम्पल बॉटिडियम, क्राइसोफाइसी का मेलेनो मेलोमोनास और बैसिलेरियोफाइसी का एग्जाम्पल है पिनुलेरिया। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है फियोफाइटा, और इसके अंदर जो स्पीसीज है वो 1500 के लगभग हैं। और जनरली ये जो मैराइन वाटर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है फाइको फियोनीन एंड फाइको जेंथिन है। और इनकी जो थैलस होती है वो नॉन मोटाइल होती है। स्टोरेज फॉर मटेरियल के रूप में लैमिनरी स्टार्च और मैनिटोल पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इनके अंदर आइसोगैमस टाइप का होता है। फिर इनके अंदर जो इनको जो तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, आइसो जेनेरेटी जिसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, फिर हेट्रो जिनेटी और साइक्लोस्पोरी। फिर जो डिवीजन नंबर 6 आता है जिसका नाम है साइनोफाइटा, इसके अंदर स्पीसीज है जो 1500 की समथिंग है। और जनरली जो एल्गी होती है लिथोफाइटिक एल्गी होती है, यानी कि लिथोफाइट्स पर पाई जाती हैं। और इनका जो हैबिटेट है फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको इरिथ्रिन। स्टोरेज फूड के रूप में इनके अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एबसेंट होता है। और इसके अंदर एक ही क्लास को रखा गया मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक। डिवीजन 7 जिसका नाम है रोडोफाइटा, इसके अंदर जो स्पीसीज नंबर है वो 3000 के समथिंग है। और इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स का नाम है फाइको इरिथ्रिन। स्टोरेज फूड के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हेट्रोगेमस टाइप का होता है। इसके अंदर एक ही क्लास है वो है रोडोफाइसी जिसका एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया पोलिसाइफोनिया